चलो हो गया ना, कितना नंबर से? 6 नंबर। देखो रे, 6 नंबर में बहुपद दिया हुआ है तुम लोग को, ठीक है। बहुपद बराबर है कौन कौन, किधर गया रे? 3 एवं माइनस 3/4, यही है ना। कह रहा है कि बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक है, ठीक है। किसका? 2x², उसके बाद 4x², एक सेकेंड, 4x² -9x - 9। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इसी का शून्यक होगा, ठीक है। कौन? ये, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग क्या करना है कि पहला शून्यक को मान लो अल्फा, माना अल्फा बराबर क्या होगा? 3 हो गया। अब बीटा बराबर क्या हो गया? -3/4, ठीक है। अब क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, ठीक है। क्या निकालेगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 3 - -3/4, ठीक है। अब यहां से देखो, 3 बैक रूप में, 1 2 प्लस माइनस, यहाँ माइनस है जी, है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/4। अब यहां से देखो, 4 4 3 12 - 3, यानी 12 में से 3 जाएगा 9/4, ठीक है। अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान क्या है जी? -3/4 है। गुना करेगा 3 3 9, यानी -9/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुपद के लिए सूत्र होता है हम लोग को, क्या होता है? x². चलो एक सेकंड लिख लेते हैं, बहुपद बराबर, उसके बराबर जब आ गया तो सिद्ध हो गया। हाँ, तो बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र? x² - α + αx + α(β). अब यहां से देखो, x², ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हम लोग? 9/4 दो यहाँ, गुना एक्स प्लस, हाँ उसके बाद रे -9/4। अच्छा देखो, बहुपद जो होता है वो शून्य के बराबर होता है, होता है ना। अब यहां से देखो तुम लोग क्या करेगा, x² यहाँ भी -9/4x प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस होगा, यहाँ होगा ना, दोनों 9/4 निकला है क्या? अरे गुना कितना निकला है जी? गुना भी वही है, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ 1 डालो, 4 4 का लोसो क्या होगा? 4, ये हो जाएगा 4x², ये क्या हो जाएगा रे? -9x - 9 = 0। अब बाय में 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानता है जी, हाँ। तो यानी ये हो जाएगा तुमको 4x² - 9x - 9 = 4 को 0 से गुना करेगा तो 0। देखो इसके बराबर आ गया ना, हाँ। अरे शून्यक को हल करके उस पर लगाए तो इतना बराबर, बहुपद के बराबर आ गया ना, सिद्ध हो गया ना। तो यहाँ पर लिखो प्रूफ, किसको समझ में नहीं आया बोल सकता है, आ गया समझ में? हाँ देखो, यहाँ पर फिर से समझ लो, बहुपद का शून्यक ये दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि ये 3 और -3/4 जो है यह शून्यक है किसका, उसको सिद्ध करना है इस बहुपद का। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ये बहुपद को छोड़ दिया। अब यहाँ से बहुपद बराबर हमको 3 है, 1 - -3/4 है, तो पहला वाला को अल्फा मान लिया, दूसरा वाला को बीटा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों में, यानी दोनों को शून्यक को क्या किए? जोड़ दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, जितना हो गया ये हुआ, उसको हल करके, ठीक है। अब बहुपद का सूत्र तो तुम लोग को पता ही है, x² - α + β (x + α)β। अब वहां पर जिसका मान जो है वो रख दिए, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 9/4 निकला है, तो वहां पर दिए ना जी, ए यहाँ 9/4 दिए ना, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान -9/4 है, तो यहाँ पर दिए ना -9/4, ठीक। अब यहाँ से देखो, सबको फिर से कोस हटाते हैं, तो x² यहाँ भी क्या हो जाएगा? -9/4x, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 9/4 = 0। अब यहाँ से क्या करना है, 4 का एलसीएम करोगे तो क्या होगा? 4 होगा।
अब यह फोर एक्स स्क्वायर होगा माइनस नाइन एक्स होगा माइनस नाइन होगा। यहाँ पर बराबर जीरो है तो इसके नीचे में एक डाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे गुना करेगा एक से तो वही रहेगा, चार को जीरो से गुना करेगा तो जीरो होगा। यह बहुपद के बराबर हो गया, सीधी यही करना था कि यह शून्यक जो होगा उस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो बंद। बोलो तो रे, सात नंबर में बहुपद दिया, शून्यक दिया हुआ है, पहले शून्यक क्या है? एक एवं, चलो एवं लगा दे। ये दो शून्य करा है कि कौन सा बहुपद का है? तो बहुपद लिखो रे, बोलो क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस छ करा है इस बहुपद का, यह क्या है? शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही करना है। मान लो अल्फा बराबर एक, बीटा बराबर तीन, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा एक अजोड़ तीन बराबर चार, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक गुना तीन बराबर तीन। ठीक है, अब यहां से बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है? चार, तो चार गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान तीन निकला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन इस बहुपद के बराबर आ गया क्या? अरे यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स है ना। ठीक है, अब इसको क्या करो, इस बहुपद के बराबर है, तुम लोग कह रहा है कि नहीं है, तो अभी जो हम इस बहुपद से शून्य निकाले है ये बहुपद है ना, अब ये कैसे है दिखाते तुमको। देखो यार, टू एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस आठ एक्स प्लस छ बराबर जीरो कर लो। ठीक है, दो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स होगा, तीन दूनी छ होता है अंडे, तो तीन बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो है। सुनिए कि नहीं है, है ना? देखो यहाँ पर आठ नंबर में कर रहा है कि सिद्ध करे कि यह किसी का भी शून्यक, सिद्ध करे कि नीचे दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है, ये सिद्ध करना हमको। तो दिखाते हैं कैसे नहीं है। ये वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है जी? माइनस छ वाई प्लस प्लस बारह, यही है ना। अब एक चीज तुम लोग देख सकते हो, इसको क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस छ वाई, अब बारह को क्या लिख सकते हो तुम लोग? रुक जाओ एक सेकेंड, तीन तीन नौ, तीन दूनी छ, ठीक है, यहाँ पर नौ अजोर तीन भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना जी, अरे गुणनखंड नहीं करना हमको, सुनिए सिद्ध करना है कि यह इसका बहुपद नहीं है। अरे बहुपद या मतलब इसका शून्यक नहीं होगा, इस बहुपद जो है ना, ये बहुपद, ये हमको सिद्ध करना है कि इनका बहुपद शून्यक कोई नहीं होगा, नहीं समझाना। अरे कोई भी द्विघात समीकरण को हल करता था तो उसका समीकरण शून्यक निकलता था ना, यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये द्विघात बहुपद जो है इसका शून्यक नहीं होगा, तब उसके लिए क्या करेगा? तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस दो गुना, देखो यार क्या दे देते हैं, एक एक के जगह पर समझ लो वाई है, तो यहाँ पर वाई, बी के जगह पर ये नौ किसका स्क्वायर है? किसका है जी? ऐसे आश्चर्यचकित हो रहा है कि लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो नौ जो है किसका स्क्वायर है? तो यहाँ पर लिखना है तीन का स्क्वायर प्लस तीन। अब तुम लोग एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर वाई स्क्वायर ये माइनस टू ए टू वाई गुना तीन छोड़ दिए थे क्या? देखो रे वाई स्क्वायर हो गया, टू वाई को वाई से, टू को वाई से गुना करेगा टू वाई, फिर तीन से करेगा तो तीन दुनी छह वाई इसके बराबर हो गया। यहाँ पर नौ को हम लोग तीन का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं।
अब यहाँ से देखो ये हुआ है माइनस थ्री का, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना? यस सर। हाँ? नहीं होगा जी? होगा ना? अरे ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है जी, नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो फिर से समझो, ये जैसे है वैसे सवाल है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, तो अब हम नहीं होगा ही नहीं है होगा, तो ये तो निश्चित है, नहीं तो करके तुम देख सकते हो, ठीक है। अभी तो डी वाला इसमें नहीं बताना था, नहीं तो उसको तुरंत करके ऐसे हो जाता है, लेकिन अभी जो है इसी तरीका से बनाना है, तो इसलिए यहाँ से करना क्या होगा, अब वाई स्क्वायर है तो ये छ वाई को हम लोग लिख सकते हैं ना, माइनस दू गुना वाई, दो को वाई से गुना कर रहे हो तो दो वाई, और फिर तीन से गुना करते हो तो छ वाई, इसको तीन को नौ प्लस तीन को बारह को यानी नौ प्लस तीन के रूप में लिख लिए, ठीक। तो ये नौ तीन का स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर देखो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हुआ। हाँ, अब ए के जगह पर क्या है, वो है, और बी के जगह पर क्या है, तीन है, प्लस तीन। अब यहाँ पर देखो इसमें कोई भी चीज तुम लोग को पता होगा कि अगर यदि उसका स्क्वायर की बात होगा, अगर यदि जीरो भी हो जाएगा इसका मान, समझा, जीरो भी होगा तो फिर भी प्लस में तीन है ना, फिर भी प्लस में तीन है, तो यानी जीरो प्लस तीन बराबर फिर भी जीरो हो रहा है, अभी क्या तीन हो रहा है, लेकिन बहुपद होने के लिए इसका मान शून्य होना चाहिए, नहीं समझ रहा है ना। देखो कोई भी बहुपद का शून्यक तब निकलता है जब उसका मान क्या होता है, मतलब शून्यक का मान रखने पर उसका मान क्या निकलता है, जीरो। लेकिन यह कभी भी जीरो कैसे निकलेगा जी, स्क्वायर है ना। अगर यदि ऋणात्मक मान भी होगा, जैसे मान के चलो इसको घटा के हमको माइनस पांच है, यहाँ पर मान के चलो कि जो माइनस एक है वह की जगह, ये माइनस तीन है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस तीन, माइनस एक और माइनस तीन कितना हो गया, माइनस माइनस चार। तो अब माइनस चार पर क्या है, स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर निकालेगा तो क्या होगा, सोलह, वो भी प्लस में होगा ना। हाँ, तो जीरो के बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, होगा क्या। यहाँ पर अगर यदि मान के चलो ये जीरो भी हो जाए, समझ लो यहाँ पर तीन और माइनस तीन इसका स्क्वायर अगर यदि प्लस में तीन भी है ना, तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर घटा के मान के चलो जीरो भी हो गया तो फिर भी तो प्लस में तीन है ना, फिर भी तो यह जीरो के बराबर नहीं हो रहा है ना। तो बहुपद को, बहुपद का मान जीरो होना चाहिए उसको शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। जब इसका मान जीरो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब इसका शून्यक नहीं हो सकता, यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ पर लिखना है। अतः बहुपद वाई स्क्वायर माइनस छ वाई प्लस बारह का कोई भी कितना है जी, बीस एक्स, उसके बाद क्या है प्लस सात, मतलब इसको भी सिद्ध करना है कि इसका शून्यक नहीं होगा। कैसे देखता है ये, पच्चीस एक्स स्क्वायर इसको लिखो, अब प्लस बीस एक्स, अब प्लस सात को हम क्या लिख देते हैं, चार जोड़ तीन, सात को लिख सकते हैं ना चार जोड़ तीन दे। अब यहाँ पर देखो पच्चीस किसका स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं पांच एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस दो गुना फाइव एक्स, ये जो देखो ये चार है किसका स्क्वायर है, किसका है, दो का, तो यहाँ पर दे दो बी के जगह पर दो, अब प्लस चार का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर तो चार होता ही है ना। अब यहाँ पर तुम लोग देखो ये फाइव, फाइव जो है ए के रूप में है, ठीक है रे, ये समझो बी के रूप में है, ठीक है। तो देखो तुम लोग ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो रहा है ना, तो अब यहाँ से ए के जगह पर हो गया तुमको फाइव एक्स प्लस, फाइव एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस तीन,
अतः इसका मान शून्य के बराबर कभी नहीं होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा, इसलिए इस बहुपद का जब इसका मान बराबर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है शून्य के बराबर, तो इसका मान भी या इसका शून्यक भी कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लिखो तुम लोग।